हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फीस कॉन्सेप्ट क्लास। वंस अगेन वी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन दिस सैटरडे। एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज द टाइम फॉर अवर न्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन, दैट इज सेशन नंबर 21। सो द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज मोशन इन अ प्लेन और एट द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। द मोशन इन अ प्लेन has two type of motions, like the circular motion and the projectile motion, that is the parabolic motion. तो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स वी स्टार्ट अवर क्लास। ओके, सो आज का जो हमारा सेशन है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन 21। टॉपिक इज मोशन इन अ प्लेन। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन के लिए लेट्स बी मूव टुवर्ड्स अवर स्क्रीन। ओके, सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन योर फर्स्ट क्वेश्चन। If a particle is moving with a velocity vector v equals to k in bracket by I cap plus x j cap, where k is a constant, the general equation for its path is A, option if b I square equals to x square plus constant, option b if y equals to x square plus constant, option c if y square equals to x plus constant, and d if xy equals to constant. So for knowing the right option, we have to solve this question, and for solving this question, now returns back to the board. Okay, तो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देखा उस क्वेश्चन में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये वेलोसिटी आपको गिवन है और इसके पाथ की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें देख रहे हैं ये मोशन इन अ प्लेन है, इसकी जो वेलोसिटी है वो टू प्लेन पे है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है, तो मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इट्स वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। सो अगर हम इसको कंपेयर करें, इट शुड बी एक्स के अलोंग कंपोनेंट यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप। सो इट्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, वी एक्स इक्वल्स टू के वाई, और वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट इज एक्स के अलोंग है तो डी एक्स वाई डी टी की ये वैल्यू मिल गई है हमें, सेम एज बी वाई अगर हम कैलकुलेट करें दिस इज के एक्स बाई दिस एंड दिस इज रिटर्न एज डी वाई बाई डी टी। तो ये वेलोसिटी बाई के अलॉन्ग है, ये वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग है और हमें इसके पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है, मीन्स बाई और एक्स में एक रिलेशन डेवलप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स बी डिवाइड दिस बाई दिस, दैट इज बी डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स वाई डी टी इज इक्वल्स टू बी वाई इज के एक्स एंड दिस इज के वाई, हेयर डी टी इज कैंसल आउट, नाउ वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन बाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी हैव बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। ओके, सो अब हम इसको क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे। सो ऑन ऑन इंटीग्रेटिंग, सो दिस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, सो लेफ्ट साइड वी कैन राइट वाई स्क्वायर अपॉन टू एंड दिस साइड एक्स स्क्वायर अपॉन टी प्लस सी, वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट, यू नो दैट अबाउट द कॉन्स्टेंट, दिस इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, एंड ऑन सॉल्विंग वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। ओके, टू ये जो डिनोमिनेटर का है, टू सी जब हमने एलसीएम में ले लिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा और टू सी दिस इज अ न्यू कॉन्स्टेंट, मीन्स सी अगर कॉन्स्टेंट है तो मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी डिजिट बाई अ कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, सो वी कैन राइट हेयर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल हुज वेलोसिटी इज गिवन इन दिस मैनर। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ये है या नहीं है ये चेक करने के लिए, वंस अगेन यू हैव टू सी ऑन योर स्क्रीन। सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन
द योर फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हैव द वैल्यू बाय स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट. सो इट्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो नाउ रिटर्न्स बैक टू द बोर्ड. तो इसका जो सही सोल्यूशन है वो ऑप्शन में जो आपको गिवन है वो है आंसर ए. तो ये जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, अगर आपको समझ में आया है तो आप और आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पॉज करके वीडियो प्ले करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जैसे हमेशा करते हैं. ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. तो वंस अगेन सी ऑन योर स्क्रीन. सो योर क्वेश्चन इज नाउ अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर with a constant speed of 10 meter per second. A plumb bob is suspended from the roof of the car by a light rivet rod of length 1 meter. The angle made by the rod with track is option A is 0, option B is 30 degree, option C is 45 degree and option D is 60 degree. Now for knowing the right option, we have to solve this question and now returns back to the board for solving the question. Okay, so question second में आपने देखा क्या क्या given है. जो circular track है उसकी जो radius given है वो है 10 meter given है और इसकी जो speed है वो भी 10 meter per second है, velocity 10 meter per second और जो length of the rod है L वो आपको कितनी given है 1.00 meter, that is 1.00 मीटर. ये पूछना चाह रहे हैं कि जब ये कार टर्न लेगी इस रेडियस पे तो ये रॉड कितनी इंक्लाइंड हो जाएगी. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी सर्कुलर ट्रैक पे टर्न करते हैं तो जो हम अपने आप को वेंट करते हैं एक एंगल से, तो पहले रॉड जब कार स्ट्रेट मोशन कर रही थी रॉड की भी लेंथ इस तरीके से होगी स्ट्रेट. जब कार वेंट होगी या बाइसाइकिल वेंट होगी जो भी है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स के अकॉर्डिंग, तो रॉड भी उसी एंगल से बेंड हो जाएगी जितने एंगल से कार बेंड होगी. ठीक है, तो मीन्स इंक्लाइनेशन का एंगल ही हमें फाइंड आउट करना है. सो वी हैव द फॉर्मूला 10 थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी. ठीक है, ये हमारे पास में इंक्लाइनेशन का फॉर्मूला है. सो वी कैन कैलकुलेट 10 थीटा इक्वल्स टू बी इज गिवन 10, दैट इज 10 इंटू 10 बी स्क्वायर, आर इज ऑल्सो गिवन 10 एंड द ग्रेविटी वी कैन कंसिडर द 10 हेयर, 9.8 भी ले सकते हैं. So this is cancel here. So the value is 1. Now 10 theta is equals to 1 and this is the value of 1045 degree. So what we conclude? क्या conclusion आया है? So theta must be equals to 45 degree. इसका मतलब जो straight rod car में थी पहले, जब car जितने angle से bent होगी, means center of gravity को pass करने वाली vertical line जितने angle से bent होगी उतने ही angle से ये rod भी bent हो जाएगी और वो inclination का angle हमने find out कर लिया है at 45 degree. So the rod is also bent with the same angle 45 degree. This is the solution of this particular question. So to know the right option, once again we have to see on screen. So now you can see on your screen the right option is 45 degree and which is C. So now return back to the board. Okay, तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर C है. अब इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके. ओके, नाउ फॉर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फॉर दिस क्वेश्चन फिर से स्क्रीन देखते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द थर्ड क्वेश्चन. आई स्टोन टाइट to a string of length L is held in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at the lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal is 4 options are given in the question A, B, C and D. और इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. उस ऑप्शन को जानने के लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर वापस आते हैं. ओके, तो आपने अभी अभी अपने क्वेश्चन में देखा जो गिवन है स्ट्रिंग की लेंथ जो गिवन है वो एल गिवन है और वो एक वर्टिकल सर्किल में ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है. मीन्स अगर मैं यहाँ पर डायग्राम से क्लियर करूँ तो ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा. ये उसका डायमीटर है और स्ट्रिंग की लेंथ एक एंड सेंटर पे है और एक जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व इसकी लेंथ है एल. मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ शुड बी एल.
और लोएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो यू गिवन है। ये कह रहे हैं कि जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा उस कंडीशन में वेलोसिटी और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी के बीच के चेंज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो इफ दिस इज द सेंटर तो हॉरिजॉन्टल कहाँ पर होगा, यहाँ पर आओके ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसको कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं, नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री है, सो द वेलोसिटी एट, तो हमें ऑलरेडी पता है द यू मस्ट बी इक्वल्स टू, हमने जब ये डेरिवेशन फाइंड आउट किए थे हमने पढ़ा था पूरा, द वेलोसिटी इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज अंडर रूट 5gr, दैट इज l, रेडियस ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर, ये है। और जब ये 90 की पोजिशन पे आ गया यहाँ पर इसकी जो वेलासिटी होगी, सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात करते हैं, लोएस्ट पॉइंट है ये, यहाँ पर ये वेलासिटी हॉरिजॉन्टल होगी, और जब यहाँ पर आएंगे तो इस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड जा रहा है, मीन्स ये बीपी होगी, ठीक है। इसको फाइन, इन दोनों के बीच में हमें चेंज निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए है ये बीपी वेलासिटी कितनी होगी। तो पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेते हैं एट द पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हम ए सपोज कर लें, इसको पी ए एंड पी, सो हेयर द काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज एम यू स्क्वायर, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर हमें पता है जीरो होगी, देर इज नो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि लोएस्ट पॉइंट है तो इसकी हाइट कुछ है ही नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एट द पॉइंट पी, सो इट्स वेलोसिटी इज बी पी, देन इट इज हाफ एम बी पी स्क्वायर, और हाइट की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और हाइट कितनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की हाइट है ये, इक्वल्स टू द रेडियस और द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज एम जी एन। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है दिस, सबसे पहले तो एम कॉमन लेके रिमूव कर देते हैं, तो और इस टू को भी हम मैनेज कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे यूज करते हैं, हाफ एम इज कॉमन, यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एल, हेयर एम इज कैंसल आउट, यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एल, एंड बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये टर्म इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, ये तो आ गई हमारे पास में बी पी स्क्वायर, दैट इज बी पी इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, ये बी पी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इस वेलासिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। So we can see here, at this lowest point, the velocity is horizontal, at this point, the velocity is vertical, means the angle between these two velocities is 90 degree. ऐसे अलग से देखिए, vector u हमने ये draw किया है, और bp हमने ये draw किया है. तो इनका resultant हमें find करना है. तो दो perpendicular vectors का हम resultant कैसे निकालते हैं? The change in velocity, बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो हम यूज करेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, यही तो मैग्नीट्यूड होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं उनका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, सो इट इज यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज गिवन हियर, यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, तो इट कैन बी रिटर्न एज यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, सो दिस इज अंडर रूट टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, 2 is common here, inside the root 2, this is u square minus g l, this is the change in velocity, magnitude of change, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u minus b यूज किया है आपने, so b minus u और b minus u, vector v minus vector u, और इसका mod defined किया है हमने, this is the change in velocity, so this is the solution of this question, so हमें पता करना है कि ये कोई ऑप्शन है या नहीं है, इस ऑप्शन को देखने के लिए मैं फिर से एक बार स्क्रीन पे चलना होगा, वंस अगेन सी ऑन योर स्क्रीन, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑप्शन ए बी सी एंड डी आर देयर, एंड इन ऑप्शंस ऑप्शन डी हैव द सेम वैल्यू एज वी सॉल्व हियर, अंडर रूट टू यू स्क्वायर माइनस जी एल, सो इट्स राइट ऑप्शन शुड बी डी, नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड, ओके। तो आपने अभी अभी देखा तो जो हमारा डी ऑप्शन था वो यही था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है तो स्क्रीन पॉज करिए या वीडियो को प्ले करिए, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव सेशन, फॉर दिस क्वेश्चन वंस अगेन सी ऑन योर स्क्रीन, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द क्वेश्चन नंबर 4, एंड इट सेज दैट A bob of mass capital M is suspended by a massless string of length L. The horizontal velocity B at the position A is just sufficient to make it reach the point B. Okay.
द एंगल थीटा इज एट द स्पीड ऑफ द बॉब इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए सेटिस्फाइज. ओके द एंगल थीटा एट विच द स्पीड ऑफ द बॉब इज हाफ ऑफ दैट एट ए सेटिस्फाई. फोर ऑप्शन आर इन द क्वेश्चन ए बी सी एंड डी और इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर करेक्ट होगा. उस करेक्ट ऑप्शन को जानने के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और इसके लिए हमें बोर्ड पर वापस आना होगा. तो चलिए बोर्ड पर हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर में जो भी आपने देखा एक डायग्राम शो किया गया है. इस तरीके का एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस एल है और ये इसके दो पॉइंट्स हैं लोएस्ट पॉइंट ए और अपर मोस्ट पॉइंट है वी. ये अगर इसका सेंटर है और ये लेंथ जो है वो दैट इज द रेडियस ऑफ सर्किट वो आपको एल गिवन है और ये मूव कर रहा है इस तरीके से. ये कह रहे हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है वो बी है और ये सफिशिएंट है इसको अपर मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाने के लिए. आपको क्या करना है, एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है जब इस वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी हो जाए किसी पॉइंट पे. तो सपोज कर लेते हैं लेट द पॉइंट इज पी एंड द एंगल इज थीटा जहां पर ये वेलोसिटी हाफ है. सबसे पहले सो अगेन वी कैन यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पी. और जो गिवन है वो वैल्यू भी यहां पर देख लेते हैं क्या है. गिवन वैल्यू इज वी पी, जो पी पॉइंट पे वेलोसिटी है वो बी की जस्ट हाफ हो जाती है पॉप की जो वेलोसिटी है. इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूटिलाइज करना है. सो ए पे जो वेलोसिटी गिवन है हाफ एम बी इज गिवन, एनर्जी यहां पर जीरो होगी जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में था, इक्वल्स टू हाफ एम बी पी स्क्वायर इज देयर एंड जो हाइट है उसके बारे में अभी हमें पता नहीं है एम जी जो भी हाइट है एच हम यूज करते हैं. सो वी नो दैट अगर हम ये हाइट कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी. सो एच का फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ द रेडियस एल वन माइनस कॉस थीटा. जब आपने ये डेरिवेशन किया होगा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो ये हाइट इस तरीके से काउंट थी, दिस इज द फॉर्मूला. और बी पी की यहाँ जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ द बी है तो वी कैन राइट हियर देयरफॉर हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन टू एम. बी पी को रिप्लेस कर देंगे बी अपॉन टू में. सो दिस शुड बी बी स्क्वायर अपॉन फोर बी बाई टू का स्क्वायर प्लस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा. ये फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा. अब इसको हमें सॉल्व करना है बी के टर्म में तो देख लेते हैं. हाफ एम बी स्क्वायर या फिर मैं डायरेक्टली इसको इधर लेता हूँ तो हाफ एम इज कॉमन है, बी स्क्वायर भी कॉमन है. सो हाफ एम बी स्क्वायर इज कॉमन इन साइड वन माइनस वन अपॉन फोर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी इक्वल्स टू एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा इज हियर. सो वी कैन कैंसिल दिस एम फ्रॉम दिस एम और ये जो सॉल्व हम करेंगे तो फोर माइनस वन दैट इज थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू थ्री बाई एट बी स्क्वायर ये वैल्यू मिल गई है इक्वल्स टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा. और इफ बी की वैल्यू क्या होती है लोएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे क्या वैल्यू होती है हमें ऑलरेडी पता है. बिकॉज एट द लोएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज अंडर रूट फाइव जी एल होती है. सो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट हट जाएगा फाइव जी एल. सो इट इज देयर फोर थ्री बाई एट इंटू फाइव जी एल इज इक्वल्स टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा. ओके सो दिस जी एल इज ऑल्सो कैंसल हियर. दिस इज 15 बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा. कॉस थीटा अगर हमें सॉल्व करना है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 15 बाई 8. दिस इज 8 माइनस 15 दैट इज माइनस 7 बाई 8 और इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो 0.8 7 5 0.875 ये वैल्यू आई है कॉस थीटा की और हमें एक ऑप्शन चूज करना है. तो हमें पता है कि जो वैल्यू है जो ऑप्शंस गिवन है ठीक है तो पहले हम उनको चेक करते हैं तब हम सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे. तो वंस अगेन सी ऑन योर स्क्रीन. ओके ना अब आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं जो ऑप्शन ए है
थीटा इक्वल्स टू जस्ट पाई बाई फोर, ये पॉसिबल नहीं है माइनस में वैल्यू हो, थीटा इज लाई बिटवीन सेकेंड ऑप्शन में पाई बाई फोर एंड पाई बाई फोर, ये भी पॉसिबल नहीं है ऑप्शन सी पाई बाई थीटा इज लाई बिटवीन पाई बाई टू थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर का मीन्स 135 और पाई बाई 90 से 135 के बीच ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, और डी ऑप्शन जो है 3 पाई बाई 4 टू पाई, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड, सो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में वैल्यू, और मैं क्लियरली कर देता हूँ ये ऑप्शन क्यों होगा। ये जो वैल्यू है निगेटिव वैल्यू, तो कोसाइन की वैल्यू 120 से पहले जो है 90 से पहले वो निगेटिव नहीं होती, और ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो पाई बाई टू वाला तो कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है हमें पता है, तो वहां से माइनस वैल्यू जो 0.5 होता है, ओके तो 120 से भी नहीं हो सकता। 135 की वैल्यू भी निगेटिव होगी बट वो ये नहीं होगी, इससे कम होती है, और पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये माइनस वन भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 से ये कम है, और जो पॉइंट 135 की वैल्यू होती है अगर हम यहाँ पर चेक करें तो कॉस 90 + 45 दिस इज 135 थ्री पाई बाई फोर, ये भी कन्फ्यूजन है अगर तो मैं ये भी क्लियर कर दूँ, 3π/4 135 होगा, यू कैन पुट हेयर 180 एट द प्लेस ऑफ पाई वी गॉट 135, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस साइन 45 और दैट इज माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2 दैट इज 1.414 होगा, तो 1.4 ही अगर अप्रॉक्स वैल्यू हम यूज कर लेते हैं 10y, तो दिस इज 5/7 और 5/7 का मतलब 0.7 समथिंग होगी माइनस 1, तो ये जस्ट माइनस 7 होगी वैल्यू 135 की, और ये है यहाँ जो वैल्यू आ रही है 0.7 और यहाँ वैल्यू आ रही है 0.8, तो 135 से ये ज़्यादा है और माइनस 1 से ये कम है, सो थीटा मस्ट बी लाई इन बिटवीन 3π/4 टू पाई, क्लियर ओके, सो यू कैन नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इफ यू वांट, ओके बाय वॉचिंग द स्क्रीन और बाय प्लेइंग द वीडियो। ओके नाउ अवर क्वेश्चन नंबर फाइव, सो सी ऑन योर स्क्रीन, अ पॉइंट पी मूव ऑन अ सर्कुलर क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर, द मूवमेंट ऑफ पी इज सच दैट इट स्वीप्स आउट द लेंथ एफ इक्वल्स टू टी क्यू प्लस 5 वेयर एफ इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, द रेडियस ऑफ द पाथ इज 20 meters, द एक्सेलरेशन ऑफ पी वेन टी इक्वल्स टू 2 seconds इज नियरली, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर गिवन, और इनमें से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और इसके लिए हमें स्क्रीन पर वापस आना पड़ेगा। ओके सो अभी आपने क्वेश्चन में देखा है एक डायग्राम गिवन है कुछ इस तरीके का, ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है जिसकी रेडियस आपको इस तरीके से गिवन है 20 meters, और ये पार्टिकल पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और ये 20 meters आपको गिवन है, और इसकी जो पाथ की जो इस कर्वेचर पे ये एफ गिवन है पी पॉइंट के लिए वो गिवन है टी क्यू प्लस 5 इन मीटर, ये गिवन है आपको, ठीक है इन मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, बट इक्वेशन गिवन है टी क्यू प्लस 5। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, तो इसका मीन्स ये है कि टाइम के साथ ये डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी है, और ये मोशन कौन सा है सर्कुलर, तो सर्कुलर में सेंट्रीपेटल भी होगा, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका हमें फाइनल एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर 2 accelerations होंगे, सबसे पहले हम टेंजेंटियल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी वेलोसिटी दैट इज डी एफ वाई डी टी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी हैव गॉट 3t² 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, सो दिस इज 3t² एंड टी इज गिवन 2 seconds इन द क्वेश्चन, सो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 3 और 2² 4 दैट इज 12 meters per second। ओके अब हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, ए टी मीन्स टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, सो इट शुड बी डी वी बाई डी टी एंड डी वी बी इज दिस, तो डी वी बाई डी टी इज 3 to 6t और एट टी दिस इज 6 × 2 12 meters per second². यू गेट लीनियर एक्सेलरेशन। अब हमें सेंट्रीपेटल भी चाहिए होगा, द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन
इसको हम ए सी से रिप्रेजेंट कर लें, ये होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना, बी स्क्वायर अपॉन, तो बी स्क्वायर अपॉन आर का मतलब बी की वैल्यू हमारे पास में 12 है इसका स्क्वायर, और आर एक्चुअली जो यहाँ पे है आर रेडियस गिवन है 20 मीटर, सो दिस इज 20 मीटर, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, दिस इज 144 डिवाइडेड बाई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। तो हमें फाइनल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो क्या होता है, लेट दिस इज अल्फा, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, ये दिस इज ए सी, और लीनियर एक्सेलरेशन अगर ये इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में होगा टेंजेंटियल, तो एंगल बिटवीन दैम इज 90, सर से दो वेक्टर 90 डिग्री में है तो उनका रिजल्टेंट, लेट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज अल्फा, सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू ई टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए टी की वैल्यू हम 12 फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज 12 स्क्वायर प्लस, और ये जो वैल्यू है 144 डिवाइडेड बाई 20, 144 डिवाइडेड बाई 20 इट्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 144 स्क्वायर ऑफ 12, दिस इज 144 इंटू 144 स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं 20 इंटू 20, तो यू कैन सी इसमें 144 तो कॉमन ही मिल रहा है 20 इंटू 20, सो 144 इज कॉमन एयर, दिस इज 1 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 400, ठीक, 144 का हम 12 आउटसाइड ले सकते हैं स्क्वायर रूट से, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये होगा 400 प्लस 544 डिवाइडेड बाई 400, ये वैल्यू हमारे पास में हमें मिल जाएगी, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 400 मीन्स 20, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 544, ठीक है, शायद इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो 6, 10, अभी और भी कैंसिल हो जाएगा, 3/5, सो इट इज 3/5 अंडर रूट 544, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है, लेकिन ये हमारी कंप्लीट वैल्यू नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमने देखे थे, इस तरीके का तो कोई था नहीं, तो इसका भी हमें इसका रूट फाइंड आउट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऑन सॉल्विंग वी हैव दिस वैल्यू 13.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 13.99 इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज अप्रॉक्सली इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम देखते हैं क्या इसके आसपास की कोई वैल्यू हमारे ऑप्शन में है या नहीं, इसके लिए फिर से स्क्रीन पर चलिए, ओके, सो नाउ यू कैन सी योर फर्स्ट ऑप्शन ए हैव द सेम वैल्यू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अदर ऑप्शन बी इज 13, सी इज 12 एंड डी इज 7.2, अदर ऑप्शन आर नॉट पॉसिबल, ओनली पॉसिबल ऑप्शन आर ऑप्शन डी, सो नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड, सो इट्स राइट आंसर इज, आंसर डी इज इट्स करेक्ट सोल्यूशन, सो यू कैन सॉल्व और नोट डाउन द सोल्यूशन एज यू हैव डन ऑलवेज, ओके, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंड फॉर दिस क्वेश्चन वंस अगेन सी ऑन योर स्क्रीन, सो इन दिस क्वेश्चन अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए पैराबोला बाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज वर्टिकल विद अ बीड ऑफ मास एम ऑन इट, द वीड कैन स्लाइड ऑन द वायर विदाउट फ्रिक्शन, इट सेज दैट इट स्टेज सॉरी एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला व्हेन द वायर इज एट रेस्ट, द वायर इज नाउ एक्सेलरेटेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए, द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द वेड वेयर द वेड कैन स्टे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वायर फ्रॉम द बाई एक्सिस इज, ऑप्शन आर देयर ए बी सी एंड डी, ए अपॉन जी के, ए अपॉन टू जी के, टू ए अपॉन जी के एंड ए अपॉन 4gk, फोर ऑप्शन आर गिवन और डायग्राम आपको एक गिवन है क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने के लिए, सही ऑप्शन जानने के लिए हमें बोर्ड पर वापस आना ही पड़ेगा, ओके, सो कम बैक टू द बोर्ड, ओके, ना अभी आपने देखा कि क्वेश्चन में एक डायग्राम था जिसमें इस तरीके का एक पैराबोलिक वायर गिवन है, ठीक है, और इस वायर के साथ में एक वीड मीन्स जिसको मन का बोलते हैं या मोती, ये इस वायर पर स्लाइड कर सकता है,
और ये कह रहे हैं कि इसके लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर, तो ये रेस्ट में ऑटोमेटिकली होता है जब वायर ये रेस्ट में था, लेकिन इस वायर को ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दिया गया, इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगना लगेगा जिसकी वैल्यू होगी एम ए, मास वेट का गिवन है आपको एम है और ये एक्सेलरेट होगा बाई वे फोर्स, और इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड करेगा, रिएक्शन भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, इस तरीके से रिएक्शन भी गिवन है जब ये यहाँ पे दिस इज एन के, यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट भी गिवन है क्वेश्चन में जो कि एन कॉस थीटा है, ठीक है, और जाहिर है ये वेट के अगेंस्ट होगा, ये वर्टिकल लाइन जो डाउनवर्ड है ये इसके वेट को बैलेंस करेगी सीधी से, और यहाँ पर एक टेंजेंटियल डॉटेड लाइन भी डायग्राम में शो है जो अभी आपको ऑप्शन चेक करने में फिर से मिलेगी। दिस एंगल इज थीटा गिवन एंड ये जो एंगल है एक्चुअली इस एंगल की वैल्यू गिवन है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे मैं नोटिस कर देता हूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि जो कहाँ पर जाके किस पोजीशन पे जाके ये न्यू बैलेंस पोजीशन में आ जाएगा। तो यू कैन सी हियर एम ए इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर हम इसके कंपोनेंट दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं जैसे कि ये डॉटेड लाइन गिवन है, एक इस डायरेक्शन में कर लेते हैं तो यहाँ होगा एम ए कॉस थीटा, इसके अगेंस्ट एक चला गया, और इसके परपेंडिकुलर अगर हम इधर लेंगे जो एन को बैलेंस कर लेगा वो एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। तो ये तो कहीं पर भी रहे यही पोजीशन रहेगी हर एंगल पे, मीन्स ये बैलेंस रहेंगे, ये कंपोनेंट इससे वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट से बैलेंस रहेगा। अब जो सिचुएशन है एम ए कॉस थीटा और इस कंपोनेंट की बात आती है, ये वेट का कंपोनेंट होगा, वेट यहाँ पे एम जी है, और यहाँ पे वेट का ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा एम जी, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये जो रिएक्शन ऑफ द वेड है मतलब जो मोती इस वायर पे फ्लिप हो रहा है उसका इंक्लाइनेशन ये गिवन है, इसके दो कंपोनेंट हमने किए हैं एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा की जो है एन कॉस थीटा इधर है, एन साइन थीटा इधर है जो एम ए को बैलेंस करेगा, जो कि डायग्राम में शो नहीं है मैं बता देता हूँ। अब ये दो लाइंस एक टेंजेंट और एक रेडियस के डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, सो एम ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा जो एन के जस्ट अपोजिट है इसको बैलेंस कर रहा है, और एम ए कॉस थीटा और इधर इस बेट का कंपोनेंट, बेट के कंपोनेंट भी एम जी साइन थीटा इधर ही हो सकता है इसका जो उधर रिवर्स डायरेक्शन में गया है 90 माइनस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, ये अगर इक्वल हो जाए आपस में तो ये बैलेंस इक्विलिब्रियम पोजिशन में आ जाएगा, क्योंकि ये दो तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये अनबैलेंस रहेगा जब ये स्लिपिंग पोजिशन में, जहाँ पे आके ये बैलेंस हो जाएगा वहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम स्टेट मिल जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इट शुड बी एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, ये होना चाहिए। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो एम इज कैंसिल एयर, ए अपॉन जी इधर आ जाएगा, और ये कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, दैट इज ए अपॉन जी इज इक्वल्स टू 10 थीटा, और किसी भी लाइन की स्लोप 10 थीटा ये नॉर्मली क्या होती, बिकॉज 10 थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम इसकी पोजिशन वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देयरफोर डी वाई बाई डी एक्स ये जो वैल्यू हमें मिली है ये है ए अपॉन जी की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, और y की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, फॉर्म इसको डिफरेंशिएट कर लें डी वाई डी एक्स के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन जी, नाउ वी हैव इट्स डिफरेंशिएशन इज टू के एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन जी, सो एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन टू के जी, ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही फाइंड कर सकते हैं। जब ये इतनी डिस्टेंस पे होगा x इक्वल्स टू ए अपॉन टू के जी तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, तो दिस इज इट्स राइट आंसर। और ये कोई ऑप्शन है या नहीं है इसको देखने के लिए एक बार फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द फोर ऑप्शन देयर हियर ए बी सी एंड डी, एंड नाउ
हमने जो सॉल्व किया था वो आया है a अपॉन 2kg फॉर ऑप्शन बी. इन द ऑप्शन बी वी हैव द सेम वैल्यू a अपॉन 2gk, तो राइट ऑप्शन शुड बी v. नाउ रिटर्न्स बैक टू द बोर्ड, सो इट्स राइट ऑप्शन इज v. इस सॉल्यूशन को भी आप नोट डाउन करेंगे. एंड इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज सेशन नंबर 22 ऑन द नेक्स्ट सैटरडे. टिल देन गुड बाय.